मित्रों नमस्कार, मैं निरंजन सिंह आपका अपने YouTube चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक, बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरी लेकर आया हूं। कृपया इस कहानी को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनिएगा। ये आपके जीवन में एक प्रेरणादायक कहानी भी हो सकती है, ये आपके लिए एक सक्सेसफुल स्टोरी भी हो सकती है, ये आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी भी हो सकती है, जिसका नाम है फर्श से अर्श तक। फर्श से अर्श तक। तो दोस्तों इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरी है। दोस्तों ये जिंदी जागती भारतीय मिसाल है और महिलाओं की मिसाल है। महिलाओं के लिए एक ऐसा युग है कि महिलाएं उससे प्रेरणा ले सकती हैं। तो दोस्तों ये कहानी है महाराष्ट्र के विदर्भ गांव की। एक ऐसी महिला जन्म लेती है 1961 में विदर्भ गांव के अंदर, जो महाराष्ट्र में है आज भी। दोस्तों उस लड़की का नाम होता है कल्पना। कल्पना एक दलित परिवार में जन्म लेती है। उसका परिवार दलित है, जो उस युग में गांव में रहते थे। तो दोस्तों कल्पना ने उस फैमिली में जन्म लिया और 8वीं तक की एजुकेशन ली। जब वो 10 साल की हो जाती हैं तो उनके पिता ने उनकी शादी कर दी, और शादी भी की तो उनकी उम्र के लगभग 10 से 12 साल बड़े व्यक्ति के साथ। कल्पना जब अपने ससुराल चली जाती हैं तो वो ससुराल में रहने लगती हैं। वहाँ पर उनको बहुत सारी यातनाएं, कष्ट, पीड़ा होते हैं, फिर भी वो झेलती रहती हैं। उनका हस्बैंड उनके हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं था, वो बहुत ही गलत और घटिया व्यक्ति था, मैं ये कह सकता हूँ। तो वो यातनाएं देता था और वो यातनाएं झेलती रहीं। काफ़ी समय बाद उन्होंने अपने आत्मविश्वास से, अपने दिल से, अपने हृदय से पूछा, और वो परेशान ना होते हुए उन्होंने फैसला लिया कि अब मुझे ये गांव, ये घर परिवार छोड़ देना चाहिए। उन्होंने उस हस्बैंड को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और अपने मायके वापस गांव विदर्भ आ गई। जैसे ही विदर्भ में उनका आवागमन हुआ, जैसे ही वो गांव विदर्भ वापस आए, उनका परिवार इतना असहमय वो हो गया, इतना फील करने लगा कि यार ये लड़की वापस कैसे आ गई। क्योंकि 1971-75-80 तक का जो दौर था वो बहुत ही दयनीय, बहुत ही विवश दौर था, जहाँ पर आदमी या बहन बेटी बहुत ही अपने आप को दबाव महसूस करती थी। दोस्तों कल्पना जब वापस आ गई तो उन्होंने वहाँ पर अपना एक सिलाई का काम शुरू किया। काफ़ी समय तक वो कल्पना अपने उसी गांव में सिलाई करके, और ये गोबर से जो उपले बनते हैं, उपले बना करके 2 रुपए के हिसाब से उपले बेचने लगी। उपला बेच कर ब्लाउज सिल कर, कपड़े सिल कर उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। अब दोस्तों जब गांव में उन्होंने इस तरीके का जीवन शुरू कर दिया, उनकी 2 बहनें भी थीं, उनकी माँ भी थी, उनके पिताजी की डेथ हो जाती है तो सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है। तो कल्पना ने अपने जीवन की एक नई शुरुआत की और उन्होंने गांव से निकलना शुरू किया, और वो आ गई मुंबई के उल्लासनगर में। मुंबई के उल्लासनगर में कल्पना सरोज ने झोंपड़पट्टी जिसे हम कहते हैं, वहां पर एक अपने लिए आशियाना लिया किराए पर और वहां रहने लगी। दोस्तों वहां पर वो एक रेडीमेड गारमेंट में सिलाई का काम करती थी। पूरा दिन थक जाती थी महिला, पूरा दिन मेहनत करती थी। उस समय 2 रुपए पीस के हिसाब से पैसा मिलता था। अब आप दोस्तों देख सकते हो कि 2 रुपए पीस क्या पूरे दिन में कितने ब्लाउज बना सकती है एक कल्पना ने कितनी मेहनत की होगी। दिन रात मेहनत की, मेहनत करते 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 एक ऐसा वक्त आया कि कल्पना उस रेडीमेड गारमेंट में प्रमोशन हो गई और फिर बड़े अच्छे खासे मार्जिन पे काम करने लगी। तो अचानक
उन्होंने अच्छा पैसा कमा लिया जब वहाँ पर, तो एक व्यक्ति उनके पास आया कि कल्पना जी मेरे पास एक प्लॉट पड़ा हुआ है, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप ये प्लॉट ले लीजिएगा। तो कल्पना जी ने पूछा कि भाई इस प्लॉट की क्या कॉस्ट है, तो उसने कहा उस दौर के हिसाब से कि ये 2.5 से 3 लाख रुपए का है, आप मुझे इतने दे दीजिएगा और मैं इससे अपना काम चला लूँगा, मेरे थोड़ा सा पैसे की भी ज़रूरत है। तो कल्पना जी ने अपनी उसी रेडीमेड गारमेंट की मेहनत की कमाई से 2.5 से 3 लाख रुपए उस व्यक्ति को दे दिए और उसकी कागज़ पत्र अपने नाम करा लिए। उनको इतना पता नहीं था कि ये ज़मीन डिस्प्यूट है, इस पर किसी भाई व बंधु का विवाद है, और उनको कुछ पता ही नहीं था। तो दोस्तों जब उन्होंने उस ज़मीन को ले लिया और जब बनाने का समय उनके पास आया तो अपोजिशन लोगों ने उनको कोर्ट में खड़ा कर दिया, कोर्ट में केस चला गया, कोर्ट में केस लड़ती रहीं, तारीखों पर जाती रहीं, तारीखों पर आती रहीं, जाती रहीं, आती रहीं, जाती रहीं, वकीलों को पैसा, ये कर वो कर, मतलब बहुत मेहनत की उस लेडीज़ ने, कल्पना ने बहुत मेहनत की। तो कल्पना ने फिर क्या किया कि कोर्ट में केस जब चला गया तो उन्होंने तारीखें की, तारीखों के आधार पर, सबूतों के आधार पर वो केस जीत जाती हैं और वो संपत्ति उनकी हो जाती है। तो कल्पना ने फिर शादी की, उनके दूसरे हस्बैंड का नाम था सरोज, कल्पना उनका नाम था, हस्बैंड का नाम सरोज था, तो कल्पना सरोज के नाम से उनको जाना गया। फिर कुछ समय बाद उनके हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है और वो उस प्लॉट पर एक बिल्डिंग की शुरुआत करते हैं, प्लॉटिंग की शुरुआत करती हैं, प्लॉट बनाती हैं फ्लैट टाइप के। जब फ्लैट बनाती हैं तो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन उन्होंने जितनी मेहनत की उस मेहनत के आधार पर फ्लैट बनाने शुरू किए और वो फ्लैट बस उनकी मेहनत रंग लाई और बिकने शुरू हो गए। तभी से उनको कल्पना बिल्डर एंड डेवलपर्स के नाम से जाना जाता है। अब उनकी कंपनी हो गई कल्पना बिल्डर एंड डेवलपर्स। उस कंपनी से उन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा दोस्तों, फ्लैट बनाती गई, आगे बढ़ती गई, फ्लैट बनाती गई, लैंड खरीदते गई, फ्लैट बनाती गई, लैंड खरीदती गई, फ्लैट बनाती गई, फ्लैट बेचते चले गए और इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़माना आया और उन्होंने बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित की। दोस्तों कल्पना सरोज एक ऐसा जिंदा जागता मिसाल है हमारी दुनिया में, हमारे भारत में, जिससे हमारी लेडीसें, आने वाली पीढ़ी और आज की महिलाएं सशक्त होकर के प्रेरणा लेती हैं। अब क्या होता है दोस्तों, 1988 में एक कंपनी थी कमानी ट्यूब, आपने सुना होगा कमानी ट्यूब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज थी जो किसी कारणवश कर्ज में डूब गई थी और वो नहीं निकल पाई। अचानक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि भाई कमानी ट्यूब को शुरू किया जाए और उसके शेयर लोगों में बांटे जाएं, जो इसको खरीदेगा वही कंपनी का मालिक कहलाएगा। तो कमानी ट्यूब में उस कल्पना सरोज के कुछ शेयर गए, कल्पना सरोज ने उस कंपनी को टेक ओवर कर लिया। आज के दिन आज कमानी ट्यूब जो इंडस्ट्रियलिस्ट में है, उस कंपनी को कल्पना सरोज जी ने पूरी तरीके से टेक ओवर कर लिया है। आज कल्पना सरोज कम से कम 10 से 12 कंपनियों की मालिक हैं और उनमें से सबसे बड़ी कंपनी है कमानी ट्यूब। आज कल्पना सरोज जी के पास कम से कम 1,000 करोड़ की संपत्ति है। तो दोस्तों मैं उस कल्पना सरोज की मिसाल दे रहा हूँ आपको, जो महाराष्ट्र के विदर्भ गांव से निकली, पहली शादी हुई उसको छोड़ा, दूसरी शादी हस्बैंड से शादी की, उनकी डेथ हो गई, जिनका नाम सरोज था इसलिए उनका नाम कल्पना सरोज पड़ा, और कल्पना सरोज की फर्श से अर्श तक की स्टोरी यही है कि वो कभी हारी नहीं, कभी थकी नहीं, और निडर और एकदम मजबूत सशक्तिकरण के साथ महिलाओं में सबसे आगे हैं। महिला कल्पना सरोज आज 1,000 करोड़ की संपत्ति की मालिक हैं, सरकार को बहुत अधिक मात्रा में टैक्स पे करती हैं,
तो दोस्तों ये कहानी थी रोचक, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।